इस समय मैं मौजूद हूँ नीमच मंदसौर जावरा लोकसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत निनोरा के गांव खोखरा में। यहाँ पर पेयजल को लेकर अनेक तरह की समस्या है, खेतों में भी पानियों की दिक्कत है। आइए मेरे साथ मौजूद है गांव के किसान और ग्रामीण, बात करते हैं किस तरह की समस्या है। जी बाबूजी, किस तरह की समस्या है गांव खोखरा में? पानी पीने की समस्या है, पानी नहीं है, कुएं से पानी आता है, अभी पानी गर्मी में नहीं मिलता है, कम मिलता। और खोखरा में गांव के कुओं में भी गर्मी में पानी की कमी है। खेतों में दिक्कत आ रही होगी फसल वगैरह को लेकर? खेतों में भी आती है और पेयजल में ज़्यादा आती है जी। फसलों के लिए परेशानी है? फसलों के लिए परेशानी है पानी की, इस बार ज्यादा दिक्कत है। किस तरह से नहीं, वो तो हर साल ही रहती है, थोड़ी बहुत हर साल रहती है गर्मी, लेकिन गर्मी इस में। बार बारिश कम हुई है। हाँ, तो गर्मी में रहती है वैसे समस्या जी, और पीने के पानी की समस्या ही गर्मी में ही है जी। हाँ, तो इसके लिए ग्राम पंचायत वगैरह कुछ कर रही है? करती है, काम तो करते हैं, ट्यूबवेल लगाती है, ट्यूबवेल यहाँ सक्सेस नहीं है। अच्छा, नल जल योजना भी सरकार की आ रही है? आ गई ना, नल जल योजना आ गई, पाइप डल गए, कनेक्शन हो गए जी। जब भी पानी आएगा तब पानी मिलेगा जी। आप क्या कहेंगे बाबूजी? हाँ साहब, पानी की तो कमी है जी। हाँ हाँ, पानी की कमी है, पानी कमी है, क्या उपाय होने चाहिए? खेतों में भी किस तरह की दिक्कतें आ रही किसानों को, ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कत? खेतों में भी पानी की कमी है। हाँ, बरोबर पीत होता नहीं है। हाँ, या चट्टान है। हाँ, और चट्टान के अंदर पानी मिलता नहीं है जी। हाँ, सरकार की ओर से कोई प्रयास हो रहा है? आप लोगों ने इस बारे में जनप्रतिनिधियों से कोई बात रखी है? अच्छी बात है, सरकार की हो रही तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, आप लोगों ने आगे कहीं बात पहुंचाई है सांसद या लोकसभा क्षेत्र में, कहीं पे बात रखी है? बात तो हमने कहीं नहीं रखी है जी। वो लोग कभी ध्यान देते हैं इस बात पे? देते हैं, वो चर्चा चल रही है कि भाई तुम्हारे खेतों में पानी आ रहा है, पीने के लिए पानी भी आ रहा है, तो कनेक्शन तो हमारे सब हो गए जी। पानी की आए जब देखेंगे जी, घर घर पे कनेक्शन हो गए, घर घर पे कनेक्शन हो गए, तो लग रहा है इससे पानी की समस्या का समाधान होगा, हो जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं? अभी खेतों में किस तरह की परेशानी? खेतों में भी समस्या आती है, बाद में पानी नहीं मिलता है जी। मतलब फसल आधी पकने के बाद पानी, बाद में जो चाहिए वो पानी नहीं मिलता है, आखिरी सिंचाई नहीं मिलती है मतलब। फिर अब किसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय कुछ नहीं है, बस ये चल रहा है। कभी चंबल से आने की है पानी, तो कभी आ जाए तो। क्या लग रहा है चंबल से कब तक पानी आ जाएगा? कम से कम 2 साल तो लगेंगे। अभी 2 साल लगेंगे, तो अभी ये नल जल योजना जो है उस पर काम चल रहा है? काम चल रहा है ना। अच्छा, चल रहा है, पाइप, बड़े पाइप भी डल गए। हाँ, और छोटी लाइन है गांव में, पाइपलाइन डल गई है। हाँ, तो पानी तो आएगा ही सही। फसलों आश्वासन लेके बैठे हैं, पानी आएगा जरूर। फसलों को लेके किस तरह? फसलों की तो लास्ट पानी मिलता नहीं, आखिरी में उसकी समस्या का भी हो रही, हल हो जाएगी तो हो जाएगी। इस बार गर्मी ज़्यादा उम्मीद है, दूसरी बात यह कि बारिश भी कम हुई है, उसकी वजह से कुछ आप लोगों को दिक्कतें आ रही हो? अभी तो दिक्कतें कुछ नहीं, अभी तो गर्मी है कम ही है, ज़्यादा गर्मी का रोज बारिश हो रही है, बदल हो रहे हैं। हाँ, गर्मी अब शुरू होगी, गर्मी अच्छी होगी तो बारिश अच्छी होगी जी। गर्मी अगर कम गिरेगी तो बारिश भी कम होगी जी, तापमान बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। उसकी वजह से पानी में कोई दिक्कत आ रही है? पानी में अभी तो दिक्कत है ना। हाँ, अभी पीने का पानी नहीं है, अपने अपने कुएं से ला रहे हैं सब भर के। हाँ, कुएं से भर दूर है कुएं आप लोग? बस ये 500 मीटर 1000 मीटर दूर से, मतलब 1-1 किलोमीटर से पानी। हाँ, 1 किलोमीटर तो नहीं, कम है जी, 1000 किलोमीटर, आधा किलोमीटर एवरेज, आधा किलोमीटर। हाँ, कोई पाइपलाइन से ला रहा है, कोई टैंकर से ला रहा है, कोई टंकियों भर के ला रहा है, कोई हेडपम्प से ला रहा है। हेडपम्प में अभी पानी खत्म हो जाता है, आखिरी में आके हेडपम्प भी सब जवाब दे देते हैं, पानी मिलता नहीं जी हेडपम्प में। हेडपम्प भी सूखे हुए हैं? सूखे हैं, एक हेडपम्प चल रहा है मात्र पूरे गांव में। हाँ, कितनी आबादी होगी गांव की? 500 समथिंग। 500 घर हैं? 500 घर है गांव? नहीं, घर तो 300-200 ही हैं। अच्छा, करीब 200-250 घर हैं, पर आबादी 500 है, 300-350 वोटर्स हैं। हाँ, 500 आबादी, 350 वोटर्स हैं। आइए बाबूजी, वरिष्ठ नागरिक हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे किस तरह की दिक्कत है। बाबूजी, पानी की जो दिक्कत आ रही है ये रूटीन में रहती है, इस बार आ रही है, किस तरह की परेशानी? ये हमेशा के लिए रहती है, हमेशा के लिए पानी। कितने सालों से रह रही ये है? तो कई सालों से समस्या है। हाँ, अभी कभी चंबल का पानी आ जाए समस्या हल हो सकती है। हाँ, अभी तो कोई समस्या नहीं है, हल नहीं हो रही। अभी पानी की समस्या, पीने की भी है, खेतों में समस्या भी आ रही है,
सिंचाई के लिए, आखिरी पानी नहीं मिलता उसमें। जो फसल जो बोना चाहिए, गेहूं वगैरह जो फसल लंबे टाइम से वाले, वो फसल नहीं होती। गेहूँ चने मसूर ऐसे बोते हैं, फिर तो कम पानी वाली बोते हैं तो वो हो जाती है। अधिक पानी वाली फसल हम नहीं बो सकते, आखिरी पानी नहीं मिलता। तो सरकार की ओर से कोई समाधान इसका मिल रहा है? ये हो रहा, समाधान हो रहा, और विश्वास है कि आ जाएगा चम्मल का पानी। दो साल भी लग सकते हैं, तीन साल भी लग सकते हैं, तो अब चल रहा काम। वो पीने का पानी भी गांव में नल धन योजना बना दी, तो पाइप भी आ गए, नल की हर कनेक्शन दे दिया गांव घर घर में। तो समस्या हो सकती है, हल हो जाएगा, तो यह विश्वास है। लोकसभा चुनाव में पानी को लेकर कोई बातचीत होती है? होती थी ना, समस्या रखते हैं अपन जो सुधीर गुप्ता जी है। सुधीर गुप्ता जी लोग, तो उनसे समस्या होती है, और बात बताते भी है कि हम आप चल रहा है काम। हाँ, और हमारे विधायक जी भी इसमें सक्रिय है, मुख्यमंत्री बन गए वो, तो इससे ज़्यादा उनका योगदान है, ज़्यादातर चम्मल पानी लाने में जल्दी जी देवड़ा देवड़ा से। हाँ, सबसे ज़्यादा खेतों में तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी ऐसे ज़्यादा कम नहीं है, कुएं से सिंचाई होती है, पर गांव में पीने का पानी नहीं आता है। तो कहीं से भी आदमी जुगाड़ करके जैसे तैसे लाता है, किसने पाइपलाइन कुएं से गांव में डाली है, कोई हैंडपम्प से लाता है, कोई टैंकर से डलवाता है। तो पानी की समस्या तो मतलब हम समझो साल भर ही पीने की रहती है। वैसे सर्दी और बरसात में आता पाइप तो जगह जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, वो पानी ऊपर चढ़ जाता है, फिर गंदा पानी अंदर उतरता है, तो पीने लायक तो पानी है ही नहीं। पीने का पानी तो समझो 12 महीने कहीं बाहर से जुगाड़ करना पड़ता है। 12 महीने पानी का जुगाड़ करना पड़ता है, नहाने धोने काम में आ जाता है, पर नहाने धोने का गर्मी में तो मिलता ही नहीं है। फिर कैसे आप लोग व्यवस्था बिठाते हैं? जैसे टैंकर से डलवाते, कोई किसी ने अपना कुआ है पास में तो पाइपलाइन कर रखी है। फसलों को लेकर क्या स्थिति? फसलों में करीब करीब पानी मिल जाता है, जब पानी कम देखते हैं तो फिर कम पानी की फसल बो लेते हैं। पर कुछ एरिया जैसे इधर का है ना, तो उधर कुएं नहीं हमारे, उधर तो फिर खेत सूखे ही रहते हैं।